Welcome to the platform of success capsule. In this class, we will discuss the MCQ based current affairs of September 2020. So, let's begin our class. Question number one Which of the following are the objectives of India's AstroSat mission? Study star birth regions and high energy processes in star systems lying beyond our galaxy, detect new briefly bright X ray sources in the sky. ऑप्शन सी परफॉर्म लिमिटेड डीप फील्ड सर्वे ऑफ द यूनिवर्स इन द अल्ट्रावायलेट रीजन ये सारी ऑप्शन करेक्ट हैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि आ, अभी रिसेंटली ही जो एस्ट्रोसेट है एस्ट्रोसेट हमारा इंडिया का पहला मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जिसने कि एक्सट्रीम यूबी लाइट डिटेक्ट किया है एक गलेक्सी से जो कि 9.3 बिलियन लाइट ईयर अवे है फ्रॉम अर्थ और उस गैलेक्सी का नाम है ए यू डी एफ एस जीरो वन आपको ये कोड भी पूछा जा सकता है उस गैलेक्सी का नाम जिससे कि हमारा जो एस्ट्रोसेट है उसने एक यूबी लाइट को डिटेक्ट किया है और इसको ये जो गैलेक्सी है इसको डिस्कवर किया है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जो कि पूना में है और एस्ट्रोसेट को इंडिया ने लॉन्च किया था ट्वेंटी टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन को और ये जो डिस्कवरी है जो light, जो जो लाइट लाइट की डिस्कवरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें क्लू देगी कि कैसे पहले डार्क एजेस थी यूनिवर्स में वो खत्म हुई तो लाइट एंटर्ड इन टू दून इन द यूनिवर्स सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ सप्लाई चेन रिजाइलेंस इनिशिएटिव एंड क्वारिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो सप्लाई चेन साइलेंस इनिशिएटिव है और जो क्वारिलेटल सिक्योरिटी डायलॉग है इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जो इन दोनों का इन दोनों की मेंबर्स हैं तो आंसर हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड जापान हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्वारिलेटरल में एक यूएस इंक्लूड हो जाता है तो ये फोर कंट्रीज हो जाती हैं तो अभी ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि रिसेंटली जो ट्रेड मिनिस्टर हैं इंडिया जापान और ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने ट्राइलेटरल मीटिंग रखी थी सप्लाई चेन रिजाइलेंस को डिस्कस करने के लिए कि कैसे 2020 में लेटर ऑन वो इसको लॉन्च करेंगे और इन दोनों ही इनिशिएटिव्स का जो प्लान है वो जापान ने दिया क्वारिलेटरल सिक्योरिटी डालेक्ट का भी और सप्लाई चेन रिजायलेंस इनिशिएटिव का भी और जो क्वार था उसका उसका आइडिया 2007 में जापान ने दिया था लेकिन November 2007, 17 में इसको शेप मिली November 2017. और जापान से रिलेटेड हो चुके हैं वहां के जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है जोशी हिदे सुगा. ये वन डे के क्वेश्चंस में आ सकता है इवन कि किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उनके वहां जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है जोशी सुगा सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू प्रणब मुखर्जी इज इनकरेक्ट कौन सी इनकरेक्ट है अभी रिसेंटली सितंबर में ही उनका डेथ हुई तो उनके ऊपर क्वेश्चंस आने के बहुत सारे चांसेस है एग्जाम में तो पहला स्टेटमेंट ही गलत है ही वॉज द थर्टींथ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया वो थर्टीन प्रेसिडेंट थे इंडिया के टू थाउजेंड टू सेवेंटीन नेक्स्ट ऑप्शंस देख लेते हैं जो सारी करेक्ट हैं ही सर्वड एज डेप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन फ्रॉम सिक्स उन्होंने मर्सी पटिशन रिजेक्ट की थी ऑफ अजमल कसब अफजल गुरु और याकूब मैनन की इससे रिलेटेड फैक्ट जो ज्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन से आर्टिकल के अंदर प्रेजिडेंट के पास ये प्रोविजन होती है और स्टेट में गवर्नर के पास तो प्रेजिडेंट को आर्टिकल 72 के अंदर की पार मिलती है दैट इज par, और जो गवर्नर ऑफ स्टेट होते हैं उनको आर्टिकल वन सिक्सटी वन के अंदर नेक्स्ट ही वॉज अवार नाना जी देशमुख नाना जी देशमुख एंड लेट सिंगर भूपेन हजारे का ये फैक्ट आपको याद रखने हैं उनसे रिलेटेड दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट है जैसे कि उनको क्विंसेंशियल मैन फ्राइडे ऑफ कांग्रेस भी कहा जाता था और वो इंडिया की यंगेस्ट फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर थे और वो इंडिया की यंगेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे इन 1982 एट द एज ऑफ 47 टू थाउजेंड में उन उन्होंने थ्री क्रूशियल मिनिस्ट्रीज को हेड किया था एक्सटर्नल अफेयर्स डिफेंस और फाइनेंस और वो पहले ऑक्युपेंट बने थे राष्ट्रपति भवन के जिनके पास ये डिस्टिंक्शन थी कि एक्सटर्नल अफेयर डिफेंस और फाइनेंस तीनों के चार्जेस उनके पास थे सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन द यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च पैन इंडिया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट ये किस चीज के साथ जुड़ा हुआ है पैन इंडिया ग्रीन टर्म अहेड मार्केट इट इज़ विद ग्रीनिंग द इंडियन शॉर्ट टर्म पार मार्केट गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है गवर्नमेंट अभी रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है जी टैम को इन इलेक्ट्रिसिटी और इसका जो फ़ायदा है इसका फ़ायदा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बायर्स को भी होगा और सेलर्स को भी होगा कॉम्पिटिटिव प्राइस ट्रांसपेरेंट और फ्लेक्सीबल प्रक्रमेंट होगी और गवर्नमेंट का टारगेट है जैसा कि आप सब जानते हैं कि वन सेवेंटी फ़ाइव का कैपेसिटी बाय कैपेसिटी बाय टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू तो आपको सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि जो जी टैम है वो किस चीज के साथ रिलेटेड है तो दैट इज ग्रीनिंग टर्म पार मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली द फर्स्ट हिस्टोरिक कमर्शियल फ्लाइट फ्लाइट एल वाई नाइन सेवन वन वॉज इन न्यूज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू इज इन इट इज द फर्स्ट फ्लाइट बिटवीन इजराइल एंड यू ए दिस इज करेक्ट सऊदी अरेबिया ब्लॉक इट एयर ट्रैफिक फॉर दिस फ्लाइट दिस इज इन करेक्ट अर्लियर इसराइल के लिए सऊदी अरेबिया का एयर ट्रैफिक ब्लॉक था लेकिन इस फ्लाइट के लिए उन्होंने उसको अलाउ किया टू पास ओवर नेक्स्ट ऑप्शन है इट हैज दर्ड पीस रिटर्न ऑन इट इन इंग्लिश है ये भी करेक्ट है एंड द प्लेन वॉज कैरिंग द यू एस एंड इसराइली डेलीगेशन दिस इज ऑल्सो करेक्ट हमने लास्ट करंट अफेयर में इसको डिटेल में डिस्कस किया था यू और इसराइल के पैक्ट को सो so, अब उनकी ये ये वाली जो फ़्लाइट है ये आपको ये फ्लाइट नंबर भी पूछा जा सकता है वन डे के एग्जाम्स में प्लस आपको ये वर्ड पीस रिटर्न इन थ्री लैंग्वेजेस कई बार इतने इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे गए होते हैं तो आप जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड मैं जो फैक्ट दे रही हूँ आप उसको इग्नोर नहीं करें क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आपके साथ जो भी करंट अफेयर डिस्कस हो उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको मिस नहीं करें

The 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 inscription inscription was written in Telugu. It says the people who safeguards this This for future will acquire the status of conducting Ashmedha Yaga. This is correct. करेंगे, उनको Yaga का स्टेटस मिलेगा और जो डिस्ट्रॉय करेंगे इट विल बी इक्वल टू कॉजिंग अ डेथ इन वाराणसी कई बार इसी स्टेटमेंट को कोट करके पूछा जाता है कि ये किस इंस्क्रिप्शन से मिला या कहा से मिला क्योंकि आ, ए, ये दो बार 2020 में न्यूज में आ चुका है जो मैं आपको आगे बताती हूँ तो आपको इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा माइंड में रखना है कि स्टेटमेंट कहाँ से मिला सो नेक्स्ट इज द अ रिकॉर्ड ऑफ सिक्स मार्टर्स ऑफ लैंड गिफ्टेड टू अर दिस इज इनकरेक्ट जो लैंड मिली है वो किसी प्रीस्ट को मिली किसी ब्राह्मण प्रीस्ट को मिली है सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अब इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स बताती हूँ सबसे पहले इसमें ये जो वर्ड यूज हुआ सिक्स मार्टर्स ये क्या है अ मेजरिंग यूनिट ऑफ लैंड दिस इज अ मेजरिंग यूनिट ऑफ लैंड तो ये तो सितंबर की न्यूज थी लेकिन जुलाई 2020 में जो आर्कोलॉजिकल सर्वे है उन्होंने रिनाती चोला की कैपिटल जो की एग्जैक्ट लोकेशन है वो बताई है वो है जो मैंने स्टार्टिंग में ऊपर लिखी है दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्रा तो आपको इसको इस फैक्ट को माइंड में रखना है और उन्होंने क्लेम किया कि इनकी जो कैपिटल थी वो रेनादु रीजन में थी रायल सीमा में और ये वो और ये फर्स्ट लोग थे जिन्होंने तेलुगु को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ किया और इंस्क्रिप्शन में यूज़ किया इंस्टेड ऑफ़ संस्कृत ये पहले लोग थे जिन्होंने तेलुगु लैंग्वेज को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में और इंस्क्रिप्शन में यूज़ किया और उन्होंने दो इंस्क्रिप्शन को भी डिसाइफर किया पहली में इनकी कैपिटल एरेकल की बात की गई है जो कि कडप्पा में ही है और दूसरे में एक बैटल का जिक्र हुआ है जो कि रिनाती चोलास और बानस के बीच में हुआ था तो ये फैक्ट्स जो हैं आपको एग्जाम में आ सकते हैं अलग अलग फैक्ट पूछा जा सकता है तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो पहले कौन थे जिन्होंने तेलुगु को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और इंस्क्रिप्शन में यूज किया दे वर द रिनाती चोलास और इनकी जो कैपिटल है जो आ, जो आ, जो अरिकल इराकल जो इनकी जो कैपिटल है उसको पहली बार कलामला इंस्क्रिप्शन से मिली इंस्क्रिप्शन से मिली जो कि उसी कडप्पा डिस्ट्रिक्ट से मिली और उसमें अर्लीस्ट तेलुगु इंस्क्रिप्शन है सिक्स सेंचुरी ए की तो आपको इन फैक्ट्स को माइंड में रखना है और इस स्टेटमेंट को भी माइंड में रखना है कि कौन से इंस्क्रिप्शन से मिली है सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज आर द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने अम्ब्रेला की थी फॉर एग्रो या संपदा जिसकी जिसका इम्प्लीमेंटेशन 2016 थाउजेंड सिक्सटीन टू ट्वेंटी था और 2017 में जो संपदा स्कीम थी इसको रीनेम कर दिया गया प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना तो आपको इस फैक्ट को माइंड में रखना है और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज रिलेटेड करंट ये था कि इसकी जो मिनिस्टर थी यूनियन मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल उन्होंने रिसेंटली रिजाइन दे दिया है और जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे वो अब एडिशनल चार्ज लिए हैं इसका और एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं एडिशनल चार्ज लिए हैं इस मिनिस्ट्री का ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं इनके लिए मैं क्वेश्चन फ्रेम नहीं की मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेम की हूँ और जो उनसे रिलेटेड फैक्ट्स है वो साथ साथ बताती जा रही हूँ कोकोनट डे इज आर करेक्ट द वर्ल्ड कोकोनट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन सेकेंड सप्तम्बर एवरी ईयर दिस इज करेक्ट कोकोनट ट्री को कल्प वृक्ष भी कहते हैं जो आपकी सारी विशेष को फुलफिल करता है दिस इज करेक्ट फर्स्ट सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड कोकोनट डे वाज़ इन द ईयर 2009 दिस इज आल्सो करेक्ट सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट किस दिन मनाया जाता है सेकेंड सितंबर को इसको कलपुरक्ष भी कहते हैं और उसकी पहली सेलिब्रेशन 2009 में हुई थी इंडिया में जो केरला है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट है और इस दिन ही ये दिन क्यों मनाया जाता है क्योंकि इस दिन एशियन एंड पैसेफिक कोकोनट कम्युनिटी का फाउंडेशन हुआ था विच इज़ अंडर द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक तो उसी की दे में, दे दे की फाउंडेशन डे 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 में में को याद ये दिन मनाया जाता है एशियन एंड पैसिफिक कम्युनिटी एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी की फाउंडेशन के तौर पे ये दिन मनाया जाता है सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कोल इंडिया लिमिटेड इज इन कोल इंडिया इज द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड दिस इज करेक्ट इट इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी या अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोल और इसके हेडक्वार्टर हैं वेस्ट बंगाल इट वॉज ग्रांटेड आर नवरत्न स्टेटस इन टू थाउजेंड इलेवन दिस इज इन करेक्ट टू थाउजेंड इलेवन में इसको महारत्ना का स्टेटस मिला था और ये जो स्कीम थी महारत्ना ये भी ये इंट्रोड्यूस की गई थी फेबर में टू एम्पारे तो, तो महारत्ना का स्टेटस इसको मिला 2011 को और ये स्टेटस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया फेब्रवरी टू थाउजेंड टेन को एट फुली ऑन्ड इंडियन सब्सिडरी इसलिए न्यूज में था कि अभी रिसेंटली दे विल इन्वेस्ट वन पॉइंट ट्वेंटी टू करोड़ रुपीज ऑन नियरली फाइव हंड्रेड प्रोजेक्ट्स कोल वैक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डिवेलपमेंट क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज में और ये आ, इनका एफर्ट है टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन टर्म्स ऑफ कोल और ये इनका टारगेट है कि वन बिलियन टन की प्रोडक्शन को अचीव करेंगे बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी फोर वन बिलियन टन कई बार ऐसे ऐसे भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं

और ये तीनों के ऊपर छोटे छोटे फैक्ट्स बताती हूँ जैसे कि जो क्वेश्चन आर है जो क्वेश्चन आर है इट इज़ द फर्स्ट आर ऑफ एवरी सिटिंग ऑफ हाउस और इसमें क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा सकते हैं पार्लियामेंट का एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें कि क्वेश्चन वेरियस टाइप के होते हैं जैसे कि स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं अनस्टार्ट क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट नोट शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर्स होते हैं अब जो स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं ये मोस्टली इनका आंसर ओरल फॉर्म में देना रहता है जो अनस्टार्ट होते हैं उनका रिटर्न फॉर्म में देना रहता है और शॉर्ट नोटिस क्या होता है कोई अर्जेंट मैटर आ जाता है सडनली तो उसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं तो ये जितने ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनको कुछ दिन पहले सबमिट किया जाता है लेकिन जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होता है उस उसके लिए टाइम पीरियड बहुत कम होता है लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने इनमें से किसी को भी अलाउ नहीं किया लेकिन एग्जाम्स में इन सारे के बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से ओरल आंसर किसका दिया जाता है तो स्टार्ट का दिया जाता है अब इसी में नेक्स्ट है जीरो आर की बात करते हैं ये इंडियन पार्लियामेंट की एक इनोवेशन है एक रूल्स ऑफ प्रोसीजियर जो होते हैं उसमें कहीं भी जो प्रोसीडियर है उसमें कहीं भी ये मैंशन नहीं है और ये आ, कब होता है क्वेश्चन आर जब जैसे क्वेश्चन आर खत्म होता है उसके तुरंत बाहर ही बाद ही जीरो आर होता है तो ये ट्वेल्व नोन पे स्टार्ट होता है इसीलिए इसको जीरो आर कह दिया जाता है क्योंकि जो क्वेश्चन आर है उसका टाइम इलेवन टू ट्वेल्व है तो ट्वेल्व पे क्वेश्चन आर स्टार्ट होता है सॉरी आई मीन टू से इलेवन टू ट्वेल्व क्वेश्चन आर होता है तो ट्वेल्व पे ज़ीरो आर स्टार्ट हो जाता है सो so, ये ये वो फैक्ट्स थे जो जिसके आप जिसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आते भी रहते हैं तो पॉलिटी के बेस्ड ये क्वेश्चन आ सकते थे और इस बार ये सब कुछ अलाउ नहीं किया गया बाय द पार्लियामेंट सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इज अवार्डेड एवरी ईयर बाय प्रेजिडेंट और ये कब दिए जाते हैं इन द वीक प्रोसीडिंग रिपब्लिक डे एवरी ईयर रिपब्लिक डे से पहले एक सप्ताह पहले ये अवार्ड्स दिए जाते हैं और दो कैटेगरी होती हैं इसमें बाल शक्ति पुरस्कार बाल शक्ति पुरस्कार एंड बाल कल्याण पुरस्कार गवर्नमेंट के जितने भी अवार्ड्स होते हैं कई बार पे क्वेश्चन आ जाते हैं बाल शक्ति पुरस्कार के जो अवॉर्डिज होते हैं वो रिपब्लिक डे की परेड में भी पार्टिसिपेट करते हैं बाल शक्ति पुरस्कार के जो विनर्स होते हैं सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस विल बी अकॉर्डेड स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस डरी हिंदी एंड इंग्लिश ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा क्योंकि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इस बिल को टू इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन फाइव लैंग्वेजेस के ऊपर तो क्वेश्चन में ये था कि रियल में ये पास जे एंड के लेजिस्लेटिव असेंबली की है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कर रहा है ऐसा तो इसकी इसकी स्टेटमेंट इसका रीजन गवर्नमेंट ने ये दिया कि प्रेसिडेंट ने जो अक्टूबर थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड नाइनटीन को जो जम्मू एंड कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया था उस जो एक्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग वहाँ प्रेजिडेंट रूल इम्पोज किया गया है और जितनी भी उस जे एंड के की लेजिस्लेटिव असम्बली की जो पार्स हैं वो इस समय पार्लियामेंट के पास हैं तो पार्लियामेंट ने उसी के अंडर ये बिल पास किया है और अगर हम इन लैंग्वेजेस की बात करें तो जो उर्दू है वही जे एंड के की सोल एक अकेली ऑफिशियल लैंग्वेज थी 131 इयर्स से 1889 में वहां के डोगरा रूलर प्रताप सिंह थे उन्होंने उर्दू का ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था प्रिंसली किंगडम ऑफ जे लैंग्वेज एंड के तो 1889 से लेके 2020 तक एक ही लैंग्वेज वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज थी दैट इज उर्दू सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ रिलेटेड टू ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज इनकरेक्ट इंडिया has फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट टू द टॉप 50 कंट्रीज इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दिस is करेक्ट जब भी इंडिया ने किसी भी आ, ऐसे ऐसी जगह पे किसी भी इंडेक्स में या कहीं भी कुछ अचीव किया होता है तो वो ऑलमोस्ट एग्जाम में हंड्रेड परसेंट पूछा ही जाता है और जो जी आई टू जी डबल आई टू थाउजेंड ट्वेंटी था उसका थीम था हु विल फाइनेंस इनोवेशन दिस इज ऑल्सो करेक्ट देन स्विट्जरलैंड इज़ वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी ये करेक्ट है एंड दिस इज़ इनकरेक्ट सबसे पहले इन इंडिया फोर्टी एट नंबर पे आया है पहली बार और ये आ, मतलब हाईएस्ट रैंक है किसी भी सेंट्रल और सर्दर्न एशियन रीजन के लिए और जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसको रिलीज़ कौन करता है इसको वर्ल्ड इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है कॉर्नर यूनिवर्सिटी और इन सीट बिजनेस स्कूल तीनों मिलके करते हैं और अगर मेन पूछा जाएगा तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये इसको रिलीज करते हैं और ये जो इंडेक्स है वन थर्टी वन कंट्रीज को रिव्यू करता है उनकी इकॉनमी उनकी इकॉनमी प्रोफाइल्स डाटा स्ट्रेंथ वीकनेस जिसमें कि ह्यूमन कैपिटल रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट सोफिस्टिकेशन बिजनेस सोफिस्टिकेशन इन सब को ध्यान में रखा जाता है सो so, आपको मेन चीज याद रखनी है कि इंडिया कौन से नंबर पे आया है फोर्टी एट नंबर पे पहली बार टॉप फिफ्टी कंट्रीज़ में इंडिया का नाम आया है इसका थीम क्या था और इसको रिलीज कौन करता है और इसमें टॉप किसने किया है स्विट्जरलैंड ने उसके बाद स्वीडन है फिर यूएस है और फिर यूके है सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग हैज पार्टनर विद बांग्लादेश फॉर फ्लड फोरकास्टिंग ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि इस बार बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आए तो गूगल ने उनके साथ पार्टनर किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से वो लोग प्रिडिक्ट करेंगे फ्लड इन द रिवर बेसेंस और गूगल ने ये फोरकास्टिंग इंडिया uh, में भी की थी पटना में 2018 में सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज ब्लॉक्ड 118 मोबाइल एप्स इन इंडिया इन द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत लोगों को नहीं पता होता है किस मिनिस्ट्री ने बैन किया लेकिन ये सबको पता था कि ऐप्स ब्लॉक हुई हैं और इसको ब्लॉक किस सेक्शन के अंदर किया गया जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं उन्होंने सेक्शन सिक्सटी नाइन ए ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है आईटी एक्ट है उसके अंदर इन एप्स को ब्लॉक किया है और इसको ब्लॉक करने की सजेशन और किसने दी है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर मैं इसको इसलिए स्पेशली यहाँ मेंशन दिस इज रिटर्न एज आई फोर सी मैं इसको इसलिए स्पेशली यहाँ मेंशन कर रही हूँ क्योंकि इसको गवर्नमेंट ने जनवरी 2020 में ही लॉन्च किया है इट वर्क्स अंडर साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो एक क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले यह आया कि किस मिनिस्ट्री ने ब्लॉक किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सेक्शन सिक्सटी नाइन ए आई एक्ट के अंदर और इसकी सजेशन दी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने जिसको कि गवर्नमेंट ने जनवरी 2020 में ही लॉन्च किया है अंडर द साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो आपको इन दोनों फैक्ट्स को याद रखना है और इसमें पबजी बैन हुआ पबजी की फुल फॉर्म बहुत सारे एग्जाम्स में लगातार पूछी जा रही है उसकी फुल फॉर्म है प्लेयर आन नोन्स बैटल ग्राउंड्स So, moving on to next question. Recently, Odisha government passed a resolution requesting the centre to accord classical status to Odissi music. The usse related statement incorrect. Hai. Mardal is the musical instrument of Odissi. This is correct. Rani Gumpa cave in Khandgiri and Udegiri at Bhubaneswar gives historical evidence of Odissi music. This is also correct. उड़ीसी म्यूजिक्रामीसी डांस वॉज रिकोग उड़ीस डांस है इसको क्लासिकल डांस नाइनटीन सिक्सटी फोर में रिकोगनाइज किया गया था और उड़िया लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज टू थाउजेंड एंड फोर्टीन में जो उड़िया लैंग्वेज है उसको टू थाउजेंड में क्लासिकल लैंग्वेज uh, माना गया और डांस को सिक्सटी फोर में उड़ीसा गवर्नमेंट की ये डिमांड है कि उनका जो uh, उड़ीसी uh, जो म्यूज़िक uh, है उसको हिंदुस्तानी और कार्नाटिक म्यूज़िक से डिफ़रेंट कैटेगराइज किया जाए क्योंकि वो कहते हैं कि वो इन दोनों से डिफरेंट हैं जैसे कि uh, जो तबला है जो तबला है वो हिंदुस्तानी म्यूज़िक का म्यूज़िक के साथ रिलेटेड है और जो मृदंगम है वो कर्नाटिक म्यूज़िक के साथ और जो मर्दल है जो मर्दल है वो उड़ीसी उड़ीसी का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और उड़ीसा म्यूज़िक जो है वो सेकंड सेंचुरी बीसी से आ, चला आ रहा है किंग खारवेला के टाइम से जो कि क्लिंगा के रूलर थे तो तब से आज आ, तब से आ, ये ये जो म्यूज़िक है तब से चला आ रहा है इसके हिस्टोरिकल एविडेंस इन दोनों आ, केस में गिवन है उसमें बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स हैं जिनमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं और डांसिंग पोचर्स हैं इनके सो so, इससे रिलेटेड अगर कोई भी फैक्ट आए तो आप मिस नहीं करना सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी दिल्ली हैज लॉन्च चक्र दी कोफ टू डीकंटामिनेट नाइन। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन आईआईटी दिल्ली हैज लॉन्च्ड चक्र दी कोफ टू डीकंटामिनेट एंड 95 मास्क द हाई पेनएबिलिटी ऑफ ओजोन गैस इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जो मास्क हैं उनको डिकनटामिनेट किया जा पाए ताकि उनको री ताकि वो री हो पाए तो इसमें वो लोग ओजोन गैस को यूज़ करते हैं फॉर क्लीनिंग द पोर्स और जो ओजोन जो ओजोन गैस है ये एक स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि वायरस को डिस्ट्रॉय कर देता है उनके प्रोटीन कोट में डिफ्यूज़ होके जिससे कि जो वायरल आरएनए है वो डैमेज हो जाता है सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन द ट्रायल रन फ्रॉम दाउद बांग्लादेश टू सोनमुरा ये एक इनलैंड वाटरवे स्टार्ट किया गया है पहली बार तो ये बांग्लादेश को इंडिया की कौन सी स्टेट के साथ कनेक्ट करता है इट कनेक्ट्स बांग्लादेश विथ त्रिपुरा और इन्होंने पहली बार वहाँ एक जो शिप भेजा दैट इज़ एम वी प्राइमर और ये सीमेंट का कार्गो लेके गया ये किस रिवर पे है गुमती रिवर इन त्रिपुरा तो आपको रिवर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है जो इनलैंड वाटरवे बांग्लादेश के स्टार्ट के साथ स्टार्ट किया गया त्रिपुरा में कौन सी रिवर पे स्टार्ट किया गया गुमती रिवर पे ये वहाँ की लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर है और ये बहुत सेक्रेट रिवर है इस पे हर साल मकर संक्रांति पे तीर्थमुख का फे, फेस्टिवल लगता है तीर्थमुख फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है गुमती रिवर पे दो फैक्ट्स ये इससे रिलेटेड हो गए ये जो टोटल पैसेज था नाइन्टी किलोमीटर्स का था जिसमें कि एटी नाइन पॉइंट फाइव किलोमीटर्स बांग्लादेश में है तो इस साल बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी को लेके हम ऑलरेडी अपने जुलाई और अगस्त में डिस्कस कर चुके हैं तो आप उसमें से देख सकते हैं मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज इंद्र नेवी है ये मेरेटाइम एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड रशिया ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बेहद कॉमन हुए अभी इलेवेंथ एडिशन कंडक्ट किया गया था इस एक्सरसाइज का इन बे ऑफ बंगाल और इस एक्सरसाइज को इनिशिएट कब किया गया इन टू थाउजेंड एंड थ्री सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च है वो कहाँ पे सेटअप किया गया है आंसर है न्यू डेली कोई भी नई चीज़ लॉन्च होती है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया है उन्हीं के कैंपस में न्यू दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल रिसर्च को आ, स्टार्ट करने के लिए और ये एक आ, ये एक एजुकेशनल विंग भी होगा टू एजुकेट स्टूडेंट्स ऑन ट्राइबल डेवलपमेंट एंड ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर तो रिसर्च सेंटर के साथ साथ ये एक एजुकेशनल विंग भी होगा सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली द फायर ऑन बोर्ड ऑयल टैंकर एम टी सक्सेसफुली डायमंडफुल्ड विद हेल्प ऑयल टैंकर एम एंटी न्यू डायमंड ये कौन किसके कोस्ट पे ये इसने आग पकड़ी थी इन श्रीलंका तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि अभी रिसेंटली श्रीलंका के कोस्ट पे जैसे किसी ऑयल टैंकर को आग लगी थी उसका नाम क्या है दैट इज एंटी न्यू डायमंड और ये इंडिया के साथ बहुत बहुत ज़्यादा रिलेटेड फैक्ट है क्योंकि ये कुवैत से आ रहा था इंडिया के पारा देव पोर्ट पर क्रूड ऑयल लेके लेकिन वहां पे इसको आग लग गई सो so, आपको ये फैक्ट याद रखना है इसलिए क्योंकि ये इंडिया से बहुत ज्यादा रिलेटेड है और इंडिया ने बहुत हेल्प की इसको कंटेन करने में सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू मिशन कर्मयोगी इज इनकरेक्ट कर्मयोगी मिशन से रिलेटेड क्या इनकरेक्ट है इसको नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग भी कहा जाता है इसका दूसरा नाम दिस इज करेक्ट इट विल बी गवर्न बाई प्राइम मिनिस्टर्स ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल ये सही है इट विल इंक्लूड ओनली ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर्स दिस इज इनकरेक्ट जितने भी पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म uh, होते थे उनमें ज्यादातर इन्हीं दोनों को इंक्लूड किया जाता था ग्रुप ए और बी को लेकिन इसमें एटी नाइन परसेंट ग्रुप सी के जो पब्लिक सर्विस वर्कर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा और ये एक बहुत मेजर uh, चेंज है इसमें इट विल बी डिलीवर्ड बाई सेटिंग अप डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉल्ड आई गॉट कर्मयोगी ये करेक्ट है सॉरी ये करेक्ट है जो मिशन कर्मयोगी है इसका मेन पर्पस यही है कि ये इसकी जो सिविल सर्विसेज हैं उनको रूल बेस से रोल बेस्ड बनाना चाहते हैं और उनको बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं जैसे क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव इमेजिनेटिव इनोवेटिव ये सारी चीज़ें डालना चाहते हैं उनका जो पोस्ट रिक्रूटमेंट जो ट्रेनिंग मैकेनिज्म है उसको अपग्रेड करने के लिए मेनली मिशन कर्मयोगी को लॉन्च किया गया है टू अपग्रेड द पोस्ट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग मैकेनिज्म सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेबर नेबरकत्ता अ मेथड ऑफ डिस्टेंस डिस्टेंस लर्निंग टू मेक लोकल स्कूल चिल्ड्रन स्टडी द सिलेबस एंड डू द होमवर्क बाय फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग वाज इन न्यूज अभी जितने भी ऐसे जैसे कि हमने आ, पहले नमक बसाई के बारे में पढ़ा था जो कि केरला का इनिशिएटिव था सिमिलर टाइप का कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आती हैं क्योंकि उन्होंने कुछ डिफरेंट किया होता है तो आपको उसको याद रखना है ये कहाँ का इनिशिएटिव है ये कहाँ का इनिशिएटिव है दिस इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया जो वर्ड कट्टा है उसका मराठी लैंग्वेज में मीनिंग है अ प्लेस वेयर पीपल मीट एंड टॉक इन फॉर्मली और इसको थर्टी मोस्ट इंस्पायरिंग आइडियाज ऑफ चेंज टू थाउजेंड ट्वेंटी जो कि यूनिसेफ द्वारा इसको इस प्रोग्राम को पिक किया गया है कि बहुत इनोवेटिव वे है तो आपको याद रखना है कि स्कीम कौन सी स्टेट कौन सी स्टेट में थी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली अ प्लेयर ग्रुप लेड बाय नोवक जोकोविक अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एसोसिएशन ऑफ टेनिस तो उसका नाम क्या है उसका नाम है प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स एसोसिएशन जो नोवक जोकोविक है उन्होंने और प्लेयर्स के साथ मिलकर प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स एसोसिएशन को लॉन्च किया और ये जो 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 पुराना जो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स है एटीपी है ये उससे बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा मेंस के टूर्स की और विद प्रोटेक्टिंग उनके जितने भी इंटरेस्ट हैं लेकिन जितने भी बाकी प्लेयर्स हैं जैसे रोजर फ्रेडर और रेफेल नडाल उन उन लोगों ने इसको अपोज किया है सो मूविंग ऑन टू स्टार्टअप विलेज एंटरप्रोरशिप प्रोग्राम फाइनेंसिस इनक्यूबेशन एंड स्किल इकोसिस्टम डी तीनों ही उसके मेजर पिलर्स हैं। जो स्टार्टअप एंटरप्रन्य प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट करता है दीनदयाल अंत्योदय योजना दैट इज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये एक सब स्कीम थी 2016 में लॉन्च हुई थी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विद फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स इसका काम क्या है प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फाइनेंशियल असिस्टेंस भी एंड ट्रेनिंग इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द हेल्थ इन इंडिया रिपोर्ट बाई एन एस ओ विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेट रिकॉर्डेड हाइएस्ट रेट ऑफ़ फुल इम्यूनाइजेशन आंसर इज़ मनीपुर ये जो रिपोर्ट है इसने बताया है कि टू आउट ऑफ फाइव चिल्ड्रन जो हैं वो अपनी इम्यूनाइजेशन जो है वो कम्प्लीट नहीं करते हैं इंडिया में फुल इम्यूनाइजेशन माना जाता है कि जब पहली एट वैक्सीन की डोजेज जो फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर में होता है वो कम्प्लीट करे कोई भी बच्चा तो इंडिया में ऐसा केस नहीं है सिर्फ फिफ्टी नाइन पॉइंट टू परसेंट ऑफ चिल्ड्रन जो है अंडर फाइव वो फुली इम्यूनाइज हैं इंडिया में जो कि बहुत आ, बुरी चीज़ है हेल्थ केयर के लिए और जिन स्टेट्स ने टॉप किया उनमें मणिपुर सबसे पहले हैं फिर आंध्र प्रदेश है और फिर मिजोरम है और अगर लोअर स्पेक्ट्रम की बात करें तो नागालैंड सबसे नीचे हैं जिसमें सिर्फ ट्वेल्व ट्वेल्व परसेंट बच्चों ने ही वैक्सीन ली होती है सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फंडामेंटल राइट जुडिशियल रिव्यू ये तीनों ही पार्ट हैं इस पर इसलिए क्वेश्चन आया क्योंकि इसी मंथ केशुनंदा भारती की डेथ हुई जिनका की प्रॉपर्टी केस विद सुप्रीम कोर्ट था 1973 ये बहुत फेमस केस है कई बार पूछा जाता है कि इस केस का आउटकम क्या था तो इसका आउटकम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन थी अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात करें तो इसका ओरिजिन कहाँ था इसका ओरिजिन जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में है जिसको वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है तो एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है तो जो अर्ली जब इंडिपेंडेंस के बाद जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने उन्होंने एब्सोल्यूट पार दी हुई थी पार्लियामेंट को टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के केस में देखा गया लेकिन जब गोलकनाथ का केस हुआ तो पार्लियामेंट ने जब गोलकनाथ का केस हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि पार्लियामेंट जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको टच नहीं कर सकता उसके बाद किशुनंदा भारती ने केस फाइल किया चैलेंजिंग द ट्वेंटी नाइन्थ अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी टू जिसमें कि केरला गवर्नमेंट ने उनकी मठ की प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर लिया था तो उन्होंने इस रिगार्डिंग केस किया था जिस केस में पार्लिया सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था बेसिक स्ट्रक्चर का कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको कि अमेंड नहीं किया जा सकता जिसमें से कि मतलब जो फंडामेंटल राइट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी डुडिशियल रिव्यू इन सब को उसके अंदर रखा गया उन मैटर्स को उन मै उन मैटर्स के साथ छेड़खानी नहीं की जा सकती क्योंकि वो बहुत क्रूशियल हैं कृष्णंदा भारतीय केस ने कुछ रिकॉर्ड बनाए इसको थर्टीन मेंबर बेंच ने हियर किया था अभी तक का लार्जेस्ट बेंच है सुप्रीम कोर्ट का जिसने किसी केस को सुना और ये केस सिक्सटी एट डेज तक चला इसकी जो हियरिंग थी कंटिन्यूटी तो ये लॉन्गेस्ट प्रोसीडिंग थी किसी भी टॉप कोर्ट में सिक्सटी एट डेज़ की तो यह इसने रिकॉर्ड सेट किया और केशनंदा भारती से रिलेटेड अगर फैक्ट की बात करें तो वो एदनीर मठ जो कि कासरगोड केरला में है उसके हेड हैं और इसको नाइनटीन सिक्सटी नाइनटीन सिक्सटी वन से वो उसके हेड हैं और ये शंकराचार्य ट्रेडिशन का मठ है सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ल्ड सेलिब्रेटेड इज़ फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लियर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज किस दिन आंसर है सेवन सितंबर जो भी चीज फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट की जाती है वो न्यूज वो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तो इसको यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने दिसंबर नाइनटीन टू थाउजेंड एंड नाइनटीन को रेजोल्यूशन लिया था इस दिन को स्टार्ट करने के लिए और इस ईयर इसका थीम था हैश टैग क्लीन एयर फॉर ऑल तो आपको इसका थीम याद रखना है क्लीन एयर फॉर ऑल किस दिन इसका रेजोल्यूशन लिया गया और किस दिन ये सेलिब्रेट किया गया सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन

सिंगल का जो टाइटल है वो अलेक्जेंडर जेवरेव को हरा के डोमिनिक डोमिनिकम ने लिया सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन बाय सक्सेसफुली टेस्टिंग द हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर वाइकल इंडिया ने किन कंट्रीज को ज्वाइन किया इंडिया फोर्थ कंट्री बनी ज्वाइनिंग यू एस चाइना और रशिया जिन्होंने कि इस टेक्नोलॉजी uh, को सक्सेसफुली uh, डेमोस्ट्रेट किया और इसको डिवेल्प किया था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डी आर डी ओ ने और इसको टेस्ट किया गया अब्दुल कलाम आइलैंड पे जो कि पहले व्हीलर आइलैंड था ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटेड व्हीकल इज इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है सबसे पहले इट इज एन अनमैंडक्रैम जेट डेमोस्ट्रेशन एयरक्राफ्ट फॉर हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट ये करेक्ट है इट कैन बी यूज टू इंटरसेप्ट इनकमिंग कमिंग मिजाइल्स आउटर और इनर एटमोस्फेयर में ये भी करेक्ट है इसके सिविलियन एप्लीकेशन भी हैं इंक्लूडिंग लॉन्च ऑफ स्मॉल सैटेलाइट एट लो कॉस्ट ये भी करेक्ट है हाइपरसोनिक वेपन्स जो हैं दे आर नॉट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग न्यूक्लियर पेलोड्स ये इनकरेक्ट है अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट बताती हूँ जिसको कि समझने की जरूरत है कि असल में स्क्रैम जेट होता क्या है ये एक एयर ब्रीथिंग इंजन होता है जिसमें कि एटमोस्फेयर से जो एयर है दैट इज रैम्ड इन टू द इंजन कम्बस्टन चैम्बर एट सुपरसोनिक स्पीड सुपरसोनिक स्पीड मैक टू से ऊपर की स्पीड में एयर होती है विच इज अलाउड टू रैम इन टू द इंजन कम्बस्टन चैम्बर और ये मिक्स करती है विद द फ्यूल टू अ सुपरसोनिक कम्बस्टन और जो क्रूज की जो फ्लाइट होती है वो ऑलरेडी हाइपर सोनिक स्पीड पे होती है सिक्स टू सेवन के बीच में तो इसीलिए इसको सुपर सोनिक कम्बस्टन रैम जेट या स्क्रैम जेट कहा जाता है और ये जो हमारा ये जो एच एस टी डी वी है इसकी क्रूज स्पीड मैथ सिक्स की सिक्स की है दैट इज सिक्स टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड और ये थर्टी टू पॉइंट फाइव किलोमीटर ट्वेंटी सेकेंड्स में राइज अप करता है सो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट यही था सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल सोलर लाइन्स जो है उसका हेडक्वाटर कहाँ है उसका हेडक्वाटर गुरुग्राम में है ये इसलिए न्यूज़ में आया क्योंकि अभी रिसेंटली फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट अरेंज ऑर्गेनाइज की गई थी इंटरनेशनल सोलर अलाइंस के द्वारा ये एक वर्चुअल समिट थी कोविड नाइनटीन इससे रिलेटेड दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सबसे पहले कि ये जो समिट हुई थी ये पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट थी इसका जो इनॉग्रल एड्रेस था वो नोबल प्राइज विनर ने किया था आपको क्वेश्चन आ सकता है कि, कि किसको 2019 नाइनटीन में नोबल प्राइज़ इन केमिस्ट्री मिला फॉर रेवोल्यूशनाइजिंग डिस्कवरी ऑफ लिथियम आयन बैटरीज लिथियम आयन बैटरीज से रिलेटेड नोबल प्राइज़ इन केमिस्ट्री लास्ट ईयर किसको को मिला वो मिला एम स्टैनली वटनगम को और इन्होंने इनागरल स्पीच दी इस इवेंट पे तो इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है सो so, जो इंटरनेशनल सोलर अलाइंस है ट्रिटी बेस्ड इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसको लॉन्च कौन से ईयर में किया गया इसको लॉन्च किया गया 2015 में नवंबर में नरेंद्र मोदी हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर और जो फ्रांस के उस समय प्रेजिडेंट थे फ्रांकोसिक हॉलीडे तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया कि इसकी नॉर्गल स्पीच किसने दी जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ट्रिटी बेस्ड इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लॉन्च किया गया टू थाउजेंड फिफ्टीन नवम्बर में बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ फ्रांस जो हलांडे थे और इसको कब कौन सी इवेंट में लॉन्च किया गया कॉप ट्वेंटी वन ऑफ यू एन एफ ट्रिपल सी और इन्होंने टारगेट रखा ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ थाउजेंड गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी एंड मोबलाइजेशन ऑफ थाउजेंड बिलियन इन्वेस्टमेंट इन सोलर सेक्टर बाय टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी इसके दो टारगेट हैं थाउजेंड गीगाट की सोलर कैपेसिटी को डिप्लॉय करना और डॉलर वन थाउजेंड यू एस यू एस डॉलर वन थाउजेंड बिलियन इन्वेस्टमेंट सोलर एनर्जी सेक्टर में बाय टू थाउजेंड एंड थर्टी सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस दैट इट विल बी लीडिंग द प्रक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ करोना वायरस वैक्सीन तो आंसर है यूनिसेफ अभी रिसेंटली यूनिसेफ ने अनाउंस किया है कि जितना भी प्रक्योरमेंट और सप्लाई होगा कोरोना वायरस वैक्सीन का वो उसको लीड करेगा और यूनिसेफ जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल वैक्सीन बायर है सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन अभी रिसेंटली चेयर प्रोटेस्ट न्यूज़ में था ये कौन सी यूरोपियन कंट्री से रिलेटेड है इसका आंसर है जर्मनी जर्मनी में बहुत सारे एक्टिविस्ट जो थे जर्न, जर्मन जर्मन पार्लियामेंट के बाहर चेयर्स पे लगा चेयर्स पे बैठ के वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन चेयर से वो सिम्बोलाइज कर रहे थे उन माइग्रेंट लोगों को जो कि ग्रीक आइलैंड पे फंसे पड़े हैं ग्रीक आइलैंड में एक आइलैंड है लेसबॉस आइलैंड जो बहुत ज्यादा न्यूज में है इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है कि जब सीरियन सिविल वॉर हुआ टू में तो बहुत सारे रिफ्यूजीज इन आईलैंड आइलैंड पे आ गए थे जिसमें से कि जर्मन ने इसी बात की थी कुछ लोगों को अपनी कंट्री में अलाउ करने के लिए लेकिन अलाउ नहीं किया और वहाँ कुछ कोविड के केसेस आए हैं तो आपको क्वेश्चन में ये आ सकता है कि चेयर प्रोटेस्ट कौन सी कंट्री में हुआ या जो लेसबोस आइलैंड है ये कहाँ पे है तो ये एजियन सी में सी से बॉर्डर करता है ग्रीक आइलैंड है उसमें मोरिया कैंप है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं जिसको लेके कि लोगों ने प्रोटेस्ट किया मोरिया कैम्प ऑन लेस बस आईलैंड सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन रिसेंटली गोविंद स्वरूप पास्ड अवे ही वॉज अ वेल नॉन ही वॉज अ वेल नॉन रेडियो एस्ट्रोनॉमर उनको फादर ऑफ इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है और उन्होंने नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रो फिजिक्स जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के अंदर आता है ये नेशनल सेंटर फॉर रेडियो फिजिक्स पुणे में है जिसको कि सेटअप किया उन्होंने और उन और उनके नाम से एक और भी है टाइप यू सोलर बस्ट ये उन्होंने डिस्कवर किए थे टाइप यू सोलर बस्ट उन्होंने डिस्कवर किए थे और उन्होंने ओ रेडियो टेलीस्कोप एंड जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जिसको कि जीएमआरटी भी कहते हैं शॉर्ट में को भी बिल्ड किया था तो उनको फादर ऑफ़ रेडियो एस्ट्रो इंडियन रेडियो एस्ट्रोनॉमी कहते हैं उनसे उनके फाउंडिंग डायरेक्टर थे नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स इन पुणे और दूसरा उन्होंने बिल्ड किया ऊटी रेडियो टेलीस्कोप एंड जाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप एरे इन पुणे सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल लिटरेसी डे एनुअली किस दिन मनाया जाता है ऑन एट्थ ऑफ सेप्टेम्बर और ये नाइनटीन सिक्सटी सिक्स से मनाया जा रहा है लगातार इसका थीम क्या है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड नाइनटीन क्राइसिस एंड बियॉन्ड और अगर हम इंडिया के सेंसस की बात करें तो इंडिया के सेंसस में uh, 2011 के सेंसस में हमारा जो लिटरेसी रेट है ओवरऑल वो 74.04 परसेंट है और यूनेस्को का कहना है कि बाय 2060 2060 इंडिया यूनिवर्सल लिटरेसी अचीव कर लेगा 2060 में और अभी लिटरेसी रेट इंडिया का 74.04 है सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन इन सितंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी इंडिया हेल्ड टॉक्स फॉर फर्स्ट टाइम अंडर अ ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क विद फोकस ऑन एनहेंसिंग कॉपरेशन इन इंडो पैसिफिक किन कंट्रीज के साथ इंडिया ने डिस्कशन की ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस मोस्टली अभी इस एरिया में जितनी बातें हो रही थी वो ऑस्ट्रेलिया जापान और यूएस के साथ हो रही थी लेकिन ये ट्राइलेटर मीटिंग हुई ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के साथ फॉर एनहेंसिंग कॉपरेशन इन इंडो पैसिफिक वो लोग चाहते हैं टू इंश्योर uh, की पीसफुल सिक्योर प्रोस्पर्स और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन हो सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following statement is incorrect regarding to recently launched doorstep, doorstep banking serves, services initiative? It is initiative by public sector banks which will provide convenience to customers. This is correct. It is part of uh, ease enhanced access and service acceleration reforms. This is correct. Hai. It includes financial and non-financial services. This is incorrect. एट प्रेजेंट सिर्फ नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज ही प्रोवाइड की जाएंगी जिसमें कि जैसे चेक डिमांड ड्राफ्ट इन सब को पिकअप करना या कुछ फॉर्म्स हो गए आई टी जी एस टी चलान हो गया अकाउंट स्टेटमेंट हो गई अभी इनकी ही डिलीवरी अलाउड है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ अभी अलाउड नहीं है सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इज इनकरेक्ट इसी मंथ स्कीम लॉन्च हुई है It is designed to address critical gaps in fish production, productivity, quality, and technology. This is correct. It aims to consolidate the achievements of blue revolution scheme, blue revolution fisheries related. Tha. Correct? Hai. It, the scheme primarily focus on adopting cluster or area based approaches and creation of fisheries clusters through backward and forward linkage. This is correct. Hai. ई गोपाला ऐप जो इसके अंदर है वो सेकेंड ऐप है फॉर फार्मर्स मैनेजिंग लाइफ स्टॉक दिस इज़ इनकरेक्ट एंड प्रेजेंट कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म फार्मर किस फार्मर के पास नहीं था जिससे कि वो लाइफ स्टॉक को मैनेज कर पाएँ उनको ब्रीडिंग सर्विसेज मिल पाए वैक्सीनेशनस मिल पाए कुछ भी ऐसा सोर्स नहीं था तो ये जो ऐप लॉन्च हुआ है ये फर्स्ट ऐप है इंडिया में जो कि फार्मर्स को लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में हेल्प करेगा और जो सम, ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ये फॉर फोकस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर्स है जिसके अंदर की ये लोग ट्वेंटी थाउजेंड फिफ्टी करोड़ रुपीस दे रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट इन फाइव इयर्स, इसका पीरियड है टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड इसी स्कीम के अंदर uh, जो जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसी के अंदर बिहार में बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं जिसमें कि फ़िश ब्रूड बैंक जो है सीतामढ़ी में लॉन्च किया गया एक्वेटिक डिजीज रेफरल लेबोरेटरी किशनगंज में कॉम्प्रीहेंसिव फिश प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो पूसा में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बिहार की उसी में और जो फिश फीड मिल है वो बांका डिस्ट्रिक्ट में है नहीं कि ना कि पटना में तो जो डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है और एक और यूनिट लगाया गया है फिश फीड मिल का एट माधेपुरा सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड प्रिवेंशन डे किस दिन मनाया जाता है टेंथ सितंबर को और ये टू थाउजेंड थ्री से लगातार मनाया जा रहा है बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन इन कोलेबरेशन विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो किस दिन मनाया जाता है टेंथ ऑफ सितंबर आपको डेट माइंड में रखनी है सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन रामायण कल्प वृक्षम जो है उसके ऑथर कौन है उसके ऑथर विश्वनाथ सत्यनारायण है वो इसलिए न्यूज में है क्योंकि ये 2020 में उनकी वन बर्थ एनिवर्सरी है और वो फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्डी हैं तेलुगु बुक के लिए और जो रामायण कल्प वृक्षम है ये पहला वर्क है जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला तेलुगु लैंग्वेज का था इन नाइनटीन सेवेंटी तो इस बुक के ऑथर कौन है आपको इस नाम को याद रखना है और इसी से रिलेटेड सितंबर का फैक्ट है कि अभी रिसेंट ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है अखितम अचूतन नम्बूत्री को वो एक मलयालम पॉइंट है अखितम अचूतन नम्बोत्री को सॉरी इफ माय प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग उनको मलयालम के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये सिर्फ इंडियन राइटर्स को ही मिलता है उन लैंग्वेजेस में जो हमारे एट्थ शेड्यूल में है ट्वेंटी टू लैंग्वेजेस हैं एट्थ शेड्यूल में उन्हीं लैंग्वेजेस के अंडर मिलता है और सिर्फ लिविंग पर्सन को मिलता है जो लिविंग होते हैं उस समय जो जिंदा रहते हैं सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट अभी रिसेंटली सितंबर में किन कंट्रीज के बीच में साइन हुआ एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट इंडियन आर्म फोर्सेस के बीच में और जापान की आर्म फोर्सेस के बीच में फॉर मिलिट्री कॉपरेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू रीजनल सिक्योरिटी उन्होंने इस आ, इसको साइन किया है सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन द बुक डिक्शनरी ऑफ मार टायर्स इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल एटीन फिफ्टी सेवन नाइनटीन फोर्टी सेवन किसने ऑथर की है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने की है जब भी कोई डिग्नेटरी कोई बुक लिखता है तो बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इसमें जो मालाबार जो मोपला रिबेलियन था जो मोपला रिबेलियन था 1921 कब हुआ 1921 तो इसके इस इसमें जो मेन जो पर्सन थे इन्होंने उ, उनको भी इसमें मार्टायर शो किया है जिसमें कि सबसे ज्यादा अहमद हाजी का नाम आता है जो कि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर है जिसपे कि वी डी सवाकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और एनी बसंत ने भी लिखा है कि जो मोपला रिबेलियन था वो एक एंटी हिंदू जेनोसाइड था ये कम्युनल था ये कोई नेशनलिस्ट मूवमेंट नहीं थी तो इसलिए जो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है उन्होंने अपनी रिमोट रिपोर्ट सबमिट की है जिसमें उन्होंने कहा है कि इन लोगों के नाम इस बुक से हटा लिए जाएं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच द फॉलोइंग रिलेटेड टू पेट्रोलियम सेक्टर को भी रिसेंटली तीन की प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं बिहार में प्राइम मिनिस्टर ने तो उनसे रिलेटेड कौन सा फैक्ट इनकरेक्ट है सबसे पहले दुर्गापुर बांका पाइपलाइन सेक्शन जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन ऑगुमेंटेशन प्रोजेक्ट ये बिल्कुल करेक्ट है इंडिया इंडियन ऑयल्स एल पी बॉटलिंग जो प्लांट है वो पटना में सेट किया गया है दिस इज इन दिस इज इन इस इनकरेक्ट, वो बांका में सेटअप किया गया है इंडियन ऑयल का और जो एच का बॉटलिंग प्लांट है वो हरशिदी ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में किया गया है दिस इज करेक्ट जो इंडियन ऑयल और एच है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के अंदर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं दिस इज करेक्ट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है उसको किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है अलॉन्ग विद स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज इसका ऑब्जेक्ट है टू तो प्रोवाइड क्लियर रोड मैप फॉर सिटीज टू वर्ड्स कम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज और इसको इसमें ट्वेंटी एट इंडिकेटर्स हैं फाइव कैटेगरीज में एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग्स अर्बन प्लानिंग मोबिल मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी वेस्ट मैनेजमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन सिगरेट बर्ड्स का मेजर कॉम्पोनेंट uh, कौन सा है इनमें से अलॉन्ग विद रैपिंग पेपर एंड रेउन आंसर है सेलुलोस एसिटेट आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिगरेट का जो बट होता है उसमें 95 फाइव परसेंट सेलुलोस एसिटेट होता है ये इसलिए करंट अफेयर्स में है क्योंकि रिसेंटली ही जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसने ऑर्डर पास किया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सी पी को ताकि वो इसके डिस्पोजल की गाइडलाइंस को जारी करे फॉर डिस्पोजल ऑफ सिगरेट एंड बीडी बर्ड्स क्योंकि आ, ये बहुत इसके ऊपर पहले भी आ, काफी सारे एनजीओज ने क्लेम किया है कि एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक है सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्वाभिमान आंचल न्यूज़ में था वहाँ पहली बार मोबाइल के सिग्नल्स मिले इन सितंबर 2020 तो ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है तो ये उड़ीसा में लोकेटेड है और ये मलकनगिरी जो डिस्ट्रिक्ट है जो कि जिसमें कि नक्सल एक्टिविटीज़ या कह लो लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म बहुत ज़्यादा था जिसके चलते यहाँ कभी भी मोबाइल टावर्स को इंस्टॉल नहीं किया गया स्वाभिमान आंचल को पहले कट ऑफ एरिया भी कहा कहा जाता था फिर इसका नेम बदल के स्वाभिमान दिया गया और ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे लोकेटेड है सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2019 वर रिसेंटली रिलीज फॉर पर्पस ऑफ रैंकिंग स्टेट्स को पांच कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है बेस्ट परफॉर्मर टॉप परफॉर्मर एस्पायरिंग लीडर्स दिस इज करेक्ट जिसमें कि बाकी हैं इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स एंड लीडर्स और इसमें स्टेट्स को दो स्टेट्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है दो मतलब दो ग्रुपिंग्स में बांटा गया है एक्स और वाई में एक्स में सारी स्टेट्स हैं प्लस यूटी ऑफ डेली है और जो वाई है उसमें सारी यूटीज हैं एक्सेप्ट डेली क्योंकि डेली को एक्स में डाला गया है और सारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं एक्सेप्ट असम असम को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया बाकी सारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट को वाई कैटेगरी में डाला गया है और इन रैंकिंग्स को रिलीज किसने किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है और इसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है वो स्टेट ऑफ गुजरात है और यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आईलैंड्स है और कर्नाटका और केरला जो है वो फॉस्टरिंग फॉर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप उनको टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स का अवार्ड दिया गया है सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंगज बिकम द लेटेस्ट अर्गनेशन टू एग्री टू नॉर्मलाइज टाइज विद इजराइल तो आंसर इज बहरेन बहरेन का कैपिटल है मनामा मनामा और ये एक आईलैंड स्टेट है और इसमें यूएस नेवी के रीजनल हेडक्वार्टू एस नेवी के रीजनल हेडक्वार्टो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रस्टिंग ऑफ मून अभी रिसेंटली न्यूज में थी ये चीज़ की जो इमेजेस मिली हैं चंद्रायन वन से उन्होंने ये कहा गया है कि जो अलोंग जो पोल्स हैं उसके वहाँ पे रस्टिंग एक्टिविटी है तो इस जो रिसेंट स्टडी है उसने ये कंक्लूड किया है कि जो हैमाटाइट है वो फॉर्म हो रहा है एट हाई आल्टीट्यूड ऑन मून किस किन किन चीज़ों से फॉर्म हो रहा है जिसमें कि ऑप्शन बी है ऑक्सीजन फ्रॉम अर्थ अपर एटमोसफियर जो लूनर सर्फस पे वाटर है और जो हीट है फ्रॉम इंटर डस्ट ये तीनों मिलके रस्टिंग कर रहे हैं ऑन मून ये तीनों रिस्पॉन्सिबल uh, हैं फॉर रस्टिंग ऑफ मून सो इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो कंक्लूड होती है सितंबर न्यूज़ की एक और वीडियो आएगी सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो इसमें डिस्कशंस फर्स्ट से लेके फिफ्टीन सितंबर तक थी फॉर फर्दर प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर चैनल प्लीज़ डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट वैन वी अपलोड द वीडियो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन if you people do like the video please do comment and let us know whether you people want uh, additions you want me to add more facts or you want uh, you don't want uh, additional facts please let us know thank you